अंदर जाके सो गए थे साहब। जिम निकली कुछ कुछ तेवाड़ी के कोई जो की होने जो ये और उन्हें दिनिया जो पढ़ ली तू तक अपनी मस्त मस्त है वे पढ़ दादी आप ना अपने का ना ग्रोथ हो गया तो क्या आप चंदा की भन्नी उठोगी ठीक है ना मम्मी उठा जाती होंगी आपके हाथ में उठती होंगी तब भी नहीं उठते होगे हाँ मम्मी। हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त विकास पंत स्वागत करता हूँ अपनी न्यू वीडियो पर। दोस्तों सुबह के बजने वाले 10 और मैं आया हूँ घास लेने के लिए। ईजा जा चुकी है घर क्योंकि ईजा आज टाइम से आ गई थी तो वो आ गई है घर। तो मेरे से आगे खरीद थी कि जा तू घास ले आ क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो गई। कल बादल थे लेकिन दिन के टाइम में धूप आ गई थी, अलर्ट है 2-3 दिन से, पता नहीं किस चीज़ का अलर्ट है, बारिश का या धूप का अलर्ट है, साफ साफ नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि बारिश भी 80% दिखा रहा है फ़ोन में लेकिन बारिश होने का नाम नहीं है, गर्मी बहुत है। आप देख रहे होंगे कि आज मैं बाइक में आया हूँ, यह है भाई की बाइक। आज मामा का बेटा आ रहा है हमारे वहाँ तो उसकी बाइक में लेके आ रहा हूँ घास लेने के लिए। तो चलते हैं अब सीधे घर के लिए। दोस्तों घास लेके मैं आ चुका हूँ, ये अभी आ चुकी है घर, ये तो पहले आ गई थी लेकिन आपको क्या बताऊँ गर्मी इतनी हो रही है, धुआं निकाला पड़ा है और फ़ोन में डेली का अलर्ट आ रहा है, मैसेज भी आ रहा है कि आज भारी बारिश होगी लेकिन भारी बारिश तो नहीं, भारी गर्मी ज़रूर पड़ रही है नहीं। ऐसे में यार टाइम से चली गई थी तो टाइम से आ गई, लगा लो जैसे आज 9:30 का घाम झेला नहीं गया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, उमस भी पड़ रही है साथ में, वरना और टाइम ये 11-12 बजे घास काटते थे धूप में है नहीं होता यार, लेकिन अजहल गर्मी हो रही है पता नहीं क्या बात है और बारिश होने का नाम नहीं है, लेकिन मौसम डेली आ रहा है, बादल आ रहे हैं फिर चले जा रहे हैं, पता नहीं क्या बात हो रही है। ये देखिए बंदर आ चुका है, एकल कट्टू ए हट भाग जा से, ओहो पूरी गैंग बैठी है, थोड़े आगे ही बैठे। चलिए दोस्तों बाकी सारे काम हो चुके हैं, जानवर को अंदर बांध दिया है, नहलाना धुलाना सब हो चुका है उनको, अब बस कुट्टी उट्टी डाल ली है फिर छुट्टी है नहीं, क्योंकि अगर जानवर भी ऐसी धूप में बाहर रहेंगे तो जानवर भी इसमें बीमार पड़ जाएंगे ना। नहलाने धुलाने के बाद जानवर हमारे सो गए हैं आराम से, सबके साथ बैठे पड़े हैं क्योंकि अभी मौसम ठंडा है, जैसे जैसे धूप बढ़ेगी गर्मी बढ़ेगी ये सब खड़े हो जाएंगे बेचारे, ये धोंकते हैं ऐसे करते हैं, सांस फूलते हैं इनके ऐसे करते हैं, जो अभी भी हल्के धोंक रहे हैं लेकिन अभी गर्मी कम है। दोस्तों देखिए इनकी फाइट देखो आप बंदरों की, देखो मुझे डरा रहा है, देखो 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 आपको गजानंद सरकार मेरे कार्य से पल बनाना, मेरे कार्य से पल बनाना, बिनती है बारंबार प्रथम निमंत्रण आपको गजानंद सरकार। मम्मी क्या वो पत्ते लिखो दादी आप ना अपने का ना ग्रोथ हो गया तो क्या आप चंदा की भन्नी उठोगी ठीक है ना मम्मी उठा जाती होंगी आपके हाथ में उठती होंगी तब भी नहीं उठते होगे हाँ मम्मी कब उठोगी आप मम्मी गिरेगी पीछे को की होने जो ये और उन्हें दिनिया जो आप पढ़ ली तू तक अपनी मस्त मस्त है वे पढ़ जाए आप हैं हर जगह पढ़ने जब आप
दूसरी गाड़ी नाच ले आ जा, बहुत गाना ले आ जा दुनिया भरी का। गर्मी में क्यों सारी गर्मी में क्यों सो रही बोल तू? दादी की धोती पहन के कहाँ जा रही है? चेक गिरेगी आगे, तार है देख रहे दांत वाली। बैठ जा थप्पड़ मारना इसे। अरे हटा दे बल बजे गाना देगा गाना मजा आया। पेट मंत्र भन 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 गाना हाँ। बेटी बेहोश हो गई लल लगता है मुझे लगता है अब हम का जैसे समय आती है। और जा भौमिक भौमिक और पारे अपने अंदर जाके सो गए जी निकल इसे कहीं ना कहीं तो देख रखे देख के आ रखी है। अरे तू ही कर रही है उठ तो मम्मी रात में मेरे काना को नींद नहीं आ रही को मैं को सोने दे सुला काने बंद करते अब नींद नहीं आती। दादी मत उठना देवे कहेंगे तो मम्मी उठते करके ठीक है। उठ तो मम्मी रुक जा यार पढ़ दे तो साथ में सुन ना मैं दादी को शाम को ढूंढ लेंगे ना। जब तू परेशान कर रही है तू ढूंढ बनना मैंने दादी को उठाना तू ढूंढ। मैं तो उठी हूं हम दाम दंड बेच उजो जो अल्लाह पढ़ के बात तार में पर मिलते तेरे भेद मत मार। आप तो दादी काली माता जब तक दंड बेच किसी को नहीं दे सकती तो तब तक के इंसान को जी आएंगी नहीं किस काम का मगर बाबा मगर बाबा अगर पर अगर मगर चाहो तो मुझे इसकी तो खाली कर ये खाली कर खाली हां नहीं मैं खुला दूंगी मैं नहीं माता माफ कर दो मैया। अगर ऐसा छत है तो मैं तुझे माफ कर देती हूँ अगली बार से करते इसे मारी पेट में डंडे भेज रुक गया कैमरा एक बार वो होने दे बंद होने दे फिर मेरी मम्मी जी का हाथ काम डंडा भेज के अलावा तू नहीं सुधर सकती ना इसीलिए हाथ काम डंडा भेज हाथ काम डंडा भेज हाथ काम जोड़ी दाम साम धाम साम धाम डंड भेज दो ना हाथ काम साम धाम डंड भेज के लगाओ तुम्हें कुछ चैन तब तक चैन नहीं आया ना हाथ काम डंड नहीं आया हाथ काम डंड हाथ काम डंड भेज के लगाओ कुछ नहीं हो सकता। बॉल रोक के क्यों नहीं खेल रहे हो रे पार करने वाली हो रही क्या? थप्पड़ मारो रोक के खेलो रोक के पास दो जय तू खड्डा ही रहेगा रे हमेशा उम्र भर इतना डैम हो गया साले खेलते खेलते हाँ तू देगा मौका उसे बड़ा भाई समझ रहा हूँ ना आपको आउट है क्या है मानसो भैया है?
पास दे जय को, जय घड़ी कर, जय घड़ी कर, पार कर पार कर। अरे यार दोस्तों, शाम के बजने वाले 5:30। मैं जैसे फील्ड में गया था तो मुझे फ़ोन आता है कि कंपैन आ चुकी है खेत में। तो चलिए थोड़ा पराल इकट्ठा करते हैं जानवर को, क्योंकि खेल तो डेली लेंगे लेकिन ऐसे टाइम में पराल मिलना बहुत ही टफ है। तो चलते हैं, पहले पराल इकट्ठा करेंगे फिर देखेंगे जो करना है। तो फाइनली घाई शुरू हो चुकी है, आधी घाई हो चुकी है, अब थोड़ी सी बची है, 5-10 मिनट का खेल और है। पराल सारा इकट्ठा हो गया, मतलब जानवरों के लायक हो ही गया है। काफ़ी लोग हैं जो पराल इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि यार इस समय में डालने के लिए जानवरों को कुछ भी नहीं होता है, तो इसलिए लोग इकट्ठा करते हैं ना। साथियों शाम का समय है, सब लोग अपने कामों में डटे पड़े हैं, क्योंकि पराल किसी के पास भी नहीं है तो लोग कर रहे हैं इकट्ठा। देखिए आप क्या हो रहा है, जैसे खेत होता नहीं क्या जो मिल रहा होगा, क्योंकि इस समय पर घास नहीं होता ना, तो लोगों को इस समय पर इस पराल की काफ़ी आवश्यकता होती है। मतलब आवश्यकता क्या है, बहुत काम आ जाता है। इसके बाद जो असली का पराल जो होता है सूखा हुआ पराल, वो इसके बाद वाले जो हरसात वाला धान होता है उसमें होता है। याला पराल क्या है ना, गीला होता है देखो, तो इसके सड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इस कारण से कोई इसे ज़्यादा इकट्ठा नहीं करता। लेकिन इससे अगर सूखा दिया जाए, एक हवा दे दी जाए, तो फिर ये कामयाब जाता है। करते हैं इकट्ठा फटाफट, चलते हैं घर को, साड़ना भी आज। साथियों रात के बज चुके हैं 9:30 और पराल अभी आधा ही सरा है और अभी आधा खेत में ही है। लेकिन दिक्कत क्या है कि मौसम बन चुका है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी और बादल आ चुके हैं ऊपर से काले बादल। अब इसमें यह है कि बारिश होने की पूरी संभावना है। आप सोच रहे होगे कि मैं दाएं बाएं कहाँ को देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ आगे को, क्योंकि अंधेरा है ना, मैं कहीं झाड़ी वाड़ी में उठ जाऊँगा वीडियो बनाने के चक्कर में। साथियों अगर बारिश नहीं होती है तो कल पराल सूखा सूखा ही सड़ जाएगा, वरना फिर वो गीला हो जाएगा, फिर और उसे आप फिर और आफत आएगी उसके सामने में। लेकिन जिस हिसाब से हवा चल रही है, मौसम बन रहा है, लेकिन एक चीज़ का ये प्रॉफिट है कि मौसम पिछले 4-5 दिनों से अलर्ट भी दिखा रहा है और ये 80% के आसपास बारिश भी दिखाई रहा है। लेकिन बारिश 80% से छोड़ो 1% भी नहीं हुई है, तो इस उम्मीद में हम भी जिंदा है, कायम है कि हमारा पराल गीला नहीं होगा जो हमने खेत में ढेर लगा रखा है, वरना फिर गीला ही सामना पड़ेगा और फिर क्या होता है। चलते हैं घर, अभी नहाते हैं, थोड़ी देर मुन्ना दा के साथ बैठ गया था, बातचीत कर रहे थे, तो चलिए घर चलते हैं।